वेलकम टू माई चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नॉन मैंडेटरी कमिटीज़ के बारे में। नॉन मैंडेटरी कमिटी में हमारी पहली कमेटी आती है कॉम्प्लायंस कमेटी। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है? पालन करना, एक टाइप से हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझे तो कहते हैं कॉम्प्लायंस कमेटी एक ग्रुप होता है ऑफ इन हाउस एग्जीक्यूटिव एट ए कंपनी हु कैन हेल्प द बिजनेस नेविगेट इट्स रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन। कोई भी कंपनी होती है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करना। जो कॉम्प्लायंस कमेटी होती है वो क्या करती है? इन रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करने में, पूरा करने में बिजनेस की हेल्प करती है। जो कमेटी होती है वो क्या ट्राई करती है? एश्योर दैट द कंपनी इज़ डूइंग एवरीथिंग इट इज़ सपोज्ड टू डू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। मतलब कंपनी अपनी जितनी भी जिम्मेवारियाँ वगैरह हैं उन सभी को पूरा करने के लिए सारे काम करेगी एंड नथिंग इट शुड नॉट डू दैट माइट वियोलेट देम। और ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी जिससे कोई गड़बड़ हो। तो हमने क्या समझा? कॉम्प्लायंस कमेटी एक ग्रुप है उन एग्जीक्यूटिव का जो कंपनी की हेल्प करते हैं, उसकी जो भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं, जिम्मेवारियाँ वगैरह, उनको पूरा करने में। और ये समझते हैं कि जो कंपनी है वो अपने काम को, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी जिससे उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो, वियोलेट हो। ठीक है, फिर बात आती है इस कमेटी के कितने मेंबर हो सकते हैं। तो कहते हैं इस कमेटी में तीन से कम मेंबर तो हो ही नहीं सकते, तीन मेंबर होना तो ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आती है इसके हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो कॉम्प्लायंस कमेटी है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू करना, एनालाइज करना कॉम्प्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ को, उसके रूल्स को और प्रोसीजर को कि वो कंपनी ने मतलब वो कंपनी के ऑपरेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है सबमिट टू द कॉम्प्लायंस ऑफिसर। एक हर कंपनी में एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर होता है तो उसके सामने आइडियाज़ वगैरह, जो क्वेश्चंस वगैरह चिंता के, वो सब उनके सामने प्रेजेंट करना। मतलब जैसे कोई भी कंपनी है उसमें एक मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में उनको ले जाने से पहले वो किसके पास भेजे जाएंगे? कॉम्प्लायंस ऑफिसर के पास। वो देखेगा कि वो सही है या नहीं। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में, मतलब पता करने में और जो भी रेगुलेटरी वियोलेशंस वगैरह उनको इवेलुएट करने में। ये रिव्यू करते हैं एजेंडा एंड सपोर्ट करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इन एडवांस ऑफ कमिटी मीटिंग एंड आर प्रिपेयर टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू देयर एक्सपर्टाइज। ये हेल्प करते हैं अलग अलग जो अप्रोचेज हैं उनको डिटरमाइन करने में, क्यों, कॉम्प्लायंस को प्रमोट करने के लिए। ये हेल्प करते हैं इंप्लीमेंट करने में करेक्टिव एक्शंस जो चाहिए प्रिवेंट करने के लिए अनलॉफुल और अनएथिकल बिहेवियर को, मतलब जो बेकार है, अनलॉफुल है। ये हेल्प करते हैं कि जो भी मीटिंग वगैरह होती हैं वो कॉम्प्लायंस मतलब ऑफिसर उसको अटेंड करे या कोई भी पर्सन है फ़ोन के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईमेल वगैरह या वीडियो कॉलिंग के थ्रू अटेंड करे। ये हेल्प करते हैं डेवलप करने में, इंप्लीमेंट करने में एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो भी कॉम्प्लायंस इश्यू वगैरह होते हैं ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मतलब उनको ठीक करने में, उनके सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, जो फ्रॉड्स वगैरह हैं उनको रोकने में। ये हेल्प करते हैं जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, उनको हेल्प मतलब डिजाइन करने में, एड्रेस करने में इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जो भी रूल्स रेगुलेशन उनको पता करने में। टू असिस्ट इन डेवलपिंग कंप्लीटिंग कॉम्प्लायंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कहता है कि ये ना फीडबैक भी देते हैं जो भी कॉरपोरेट कॉम्प्लायंस ऑफिसर होते हैं। नॉर्मल सी बात है, फीडबैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि भाई कोई चीज़ हम कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी, उससे रिलेटेड अगर हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आती हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी। इन्वेस्टमेंट कमेटी मतलब वो कमेटी जो इन्वेस्टमेंट को देखती हैं कि जो हमारे मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो कैसी है। जैसे हमें पता है इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होते हैं, शेयर, डिबेंचर वगैरह के फॉर्म में। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी इज़ द कमेटी विच ओवरसीज द कंपनीज इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइन इंक्लूडिंग रिव्यू इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। तो यही है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे कामकाज को चेक करती है। इसमें भी तीन या तीन से ज़्यादा डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइप से देखो तो ये क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है किस टाइप के, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, लिक्विडिटी, डिविडेंट वगैरह होते हैं उनके लिए। फिर आते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट कमिटीज़ होती हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कहता है कि ये एस्टेब्लिश करती है पीरियोडिक रिव्यू की जो कंपनी है वो कंपनी मतलब जो कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाई गई हैं उनके उनको क्या करती है ये भाई चेक वगैरह करती है कि वो कैसी हैं। ओवरसीज करती है जो भी मतलब हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी की वो कैसी है, वो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट कर ली है। ये पीरियोडिकली रिव्यू करती है स्ट्रक्चर वगैरह को, अप्रोच वगैरह को, और ये चेक करती है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो इफेक्टिव है या नहीं। इसमें वही बात है कि वो जो
कंपनी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे कर रही है। सेलेक्ट करती है कंपनी का मनी मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो हेल्प करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने में, अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने में। अथोराइज करता है इन्वेस्टमेंट को आइदर एन एड हॉक बेसिस और स्टैंडिंग अथॉरिटीज। मतलब वही बात है भाई, ये इन्वेस्टमेंट है उसको किस बेस पे अथोराइज करेगा कि वो सही मैनर में हो रही हो, डेलीगेट्स अथॉरिटीज़ के द्वारा मतलब जिनको हमने पावर वगैरह दी उनके अकॉर्डिंग हो रही हो। मॉनिटर करता है जो ऑनगोइंग बेसिस है परफॉर्मेंस का कंपनीज की उनको। फिर आता है इन्वेस्टर रिलेशंस कमेटी। इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी वो कमेटी होती है, कहता है कि देखो यहाँ पे ना जो इन्वेस्टर है उसके साथ रिलेशन वगैरह देखा जाता है। इसमें जो मैनेजमेंट इन्वेस्टर रिलेशन एक्टिविटीज़ हैं और जो भी कम्युनिकेशंस हैं मतलब अलग अलग जो भी पॉलिटिकल एंड फॉर्मर शेयर होल्डर के साथ वो मेंटेन की जाती है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रिलेशन कमेटी मतलब IRC है वो हेल्प करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फुलफिल करने में, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हैं किसके रिगार्डिंग, शेयर होल्डर के रिगार्डिंग। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है भाई डे टू डे जो भी काम काज हो रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने में और इस तरह से क्या किया जाता है इन्वेस्टर रिलेशन को इम्प्रूव किया जाता है। इसमें भी कहता है कि जो मेंबर है, कहता है कि जो इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी है ना वो एक स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी होती है और इसमें कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेशन कमेटी होती है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहता है ये रिव्यू करता है, असेस करता है जो ओवरऑल इन्वेस्टर रिलेशन स्ट्रेटजी बनाई गई है वो कैसी है। पीरियोडिकली रिव्यू करता है कि जो इन्वेस्टर रिलेशन है वो कैसे अफेक्ट होंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस को, शेयर होल्डर के एक्टिविटीज़ से या रेगुलेटरी एक्शन से। ये मॉनिटर करता है कि जो इन्वेस्टर रिलेशन स्ट्रेटजी है उसका क्या रिजल्ट होगा और जो प्लान है ऑफर सजेशंस वगैरह उनमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। इंश्योर दैट द मैनेजमेंट एज एलोकेट और ये चेक करता है कि जो एडिक्यूएट रिसोर्सेज है वो दिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेशन स्ट्रेटजी थी उसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव जरूरी थे उनको पूरा करने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज दिए गए, ये चेक करता है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ये क्या करता है, रिकमेंडेशंस करता है जो भी जरूरी होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट देती है ये रिकमेंडेशन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो भी मतलब जरूरी है शेयर होल्डर इंगेजमेंट के, रिसीव एंड रिव्यू इन्फॉर्मेशन और अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको रिव्यू करता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये रिस्क से रिलेटेड मैनेजमेंट करके चलता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब इसको ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन की तरह डिफाइन कर सकते हो। इसमें ये रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है, इवेलुएट करता है, एक्सेप्ट करता है, एवर्जन और मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज भी करेगा, कम करने की पूरी कोशिश भी करेगा। जो डिसीजन है इसके अंतर्गत वो क्या होता है, कंसीडरिंग रिस्क असेसमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़। मतलब जैसे भाई पॉलिटिक्स से क्या रोल, मतलब पॉलिटिकल जो रिस्क है वो क्या है, सोशल क्या, इकोनॉमिक क्या है, वो सब ध्यान में रख के रिस्क की मैनेजमेंट करके चलता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो एक टाइप से कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करना, अप्रूव करना रिस्क पॉलिसीज़ को और जो भी प्रैक्टिसज है कंपनी की उनको। मेंबरशिप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें भी कम मतलब 3 से कम मेंबर तो होने नहीं चाहिए। फिर वही बात है, एक डायरेक्टर, एक चेयरमैन होगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। फिर आती है हमारी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहता है कि ये हेल्प करता है कंपनी की रिस्क प्रोफाइल चेक करने में और ऐसे एरियाज़ को पता करने में जहाँ पर रिस्क है। ये रिकमेंड करता है बोर्ड एंड अडॉप्शन ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रेटिंग प्रोसीजर टू आर्टिकुलेट द कंपनी पॉलिसी फॉर द ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये ना कंपनी की पॉलिसी वगैरह को भी चेक करता है कि भाई वहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, असेस करता है, रिकमेंड करता है बोर्ड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। भाई मतलब भाई अब नॉर्मल सी बात है, बिना रिस्क के तो प्रॉफिट हो नहीं सकता, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पर रिस्क तो होगा ही, तो ये बताता है कि कितना रिस्क एक बोर्ड एक्सेप्ट कर सकता है। डेवलप एंड इंप्लीमेंट ए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये डिफाइन करता है रिस्क एपिलेट ऑफ द ओनर मतलब जो भी रिस्क कहाँ पे है, कौन उसको एक्सेप्ट करके, ये सब। एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिव्यू द रिस्क प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क प्रोफाइल वगैरह बताता है। इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो एप्रोप्रिएट मेजर्स ले रही हैं, जो भी रिस्क है और जो रिवॉर्ड है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस, मतलब इतना ही रिस्क ले रिटर्न भी अच्छा है। ठीक है, रिव्यू करना, असेस करना नेचर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिव्यू करता है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कंपनी की, किसमें उसके पास कितना रिजर्व है, इंश्योरेंस कवरेज कितना है, गारंटी फंड वगैरह कितने हैं। ठीक है, रिव्यू करता है इशू राइज बाय इंटरनल ऑडिट दैट इम्पैक्ट द, अब जो ऑडिट वगैरह है वो देखेगा कि वो कैसा है और उससे कितना रिस्क हो रहा है मैनेजमेंट को। इंश्योर करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, जो सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट वो एडिक्वेट हो, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हो, मतलब ज़्यादा रिस्क भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा रिस्क भी एक टाइम पर वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।